नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, 6 महीने पहले एक वीडियो डाला था, क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट कैसे बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके ऊपर लगभग 3,08,000 व्यूज़ आया है। और समय के साथ साथ एप्लीकेशन भी अपडेट हुआ है और कुछ नया इंटरफेस भी आया है। तो पिछला वाला जो मेथड था वो पुराना हो चुका है। सो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक न्यू प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। हालांकि कुछ तो एक छोटा सा चार्जेस लगेगा, बट उसको कैशबैक के तौर पर आपको मिल जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड में। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। किस एप्लीकेशन के ऊपर कैसे आपको दिखाने वाला हूँ, सब कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। सो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर इसी टाइप का वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे मैं मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेंगे। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर पैन कार्ड डिटेल्स डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मोर ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक नया इंटरफेस आ जाएगा। नीचे की तरफ जाना है बिल्स में। बिल्स में आपको दिखाई देगा हाउस रेंट, एडुकेशन फीस। तो हाउस रेंट वाला जो मेथड है पुराना हो चुका है, तो हम यहाँ पे देखेंगे एडुकेशन फीस। तो क्लिक करेंगे एडुकेशन फीस के ऊपर। एडुकेशन फीस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप ट्यूशन फीस के ऊपर। ट्यूशन फीस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने और एक नया इंटरफेस आ जाएगा, हाउ मच ट्यूशन फीस डू यू वॉन्ट टू पे। जितने भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं आपके क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में, उतना ही यहां पे बैलेंस आपको डाल देना है। डालने के बाद सिंपली क्लिक करेंगे पे विथ क्रेडिट कार्ड के ऊपर। पे विथ क्रेडिट कार्ड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने और एक नया इंटरफेस आ जाएगा, व्हाट इज योर ट्यूशन्स नेम। यहाँ पे आपका ट्यूशन्स का नाम डालना है, कुछ भी नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी एक रैंडम मैं नाम डाल देता हूँ, अपना ही नाम डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिंपली करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद और एक नया इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर योर ट्यूशन्स बैंक अकाउंट डिटेल्स। जिस भी बैंक अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है। अपना बैंक अकाउंट आप डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर, IFSC कोड। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो नीचे की तरफ ट्राई ट्यूशंस UPI के ऊपर क्लिक करके आपका जो UPI एड्रेस है डाल सकते हैं। UPI ID डालने के बाद सिंपली क्लिक करेंगे नीचे की तरफ वेरीफाई में। वेरीफाई में जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने और एक नया इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपका नाम दिखाई देगा, UPI belongs to, मतलब बैंक अकाउंट में जो भी रजिस्टर्ड नाम है वही दिखाई देगा। यहां पे सिंपली करेंगे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आपके सामने और एक नया इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपका पूरा अमाउंट दिखाई देगा, जितने भी अमाउंट आप बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहां पे अप्लाई ऑफर में क्लिक करके कार्ड के ऊपर क्या क्या ऑफर चल रहा है वो भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं अगर ऑफर है तो। यहां पे सिंपली नीचे की तरफ करेंगे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक, क्योंकि यहां पे रेकमेंडेड कार्ड के ऊपर दिखाएगा जो भी क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट अकाउंट में लिंक है। अगर यहां पे सब कुछ नहीं दिखाता है और एक नया कार्ड में आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है व्यू ऑल ऑप्शन में। व्यू ऑल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद न्यू क्रेडिट कार्ड को आप ऐड कर सकते हैं। न्यू क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डाल देंगे, कार्ड नाम डाल देंगे, इसके बाद नीचे की तरफ ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे कार्ड ऐड हो जाएगा। इसके बाद CVV डाल के सिंपली करेंगे प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक। प्रोसीड टू पे के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। अगर सिम कार्ड इसी मोबाइल में है तो OTP ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अगर सिम कार्ड इस मोबाइल में नहीं है तो OTP मैनुअली डाल के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है, पेमेंट ऑफ योर रुपीज यहां पे दिखाई देगा और यहां पे ग्रीन कलर का एक टिक मार्क आ जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद आपको एक कैशबैक मिलेगा जिसको रिडीम करना है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है कैशबैक कैसे रिडीम कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिए कैसे आपको कैशबैक रिडीम करना है। 20 रुपया, 25 रुपया, 100 रुपया तक मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। सबको दिखा दिया किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज करके बहुत ही आसान तरीके से क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। इस ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।